लास्ट क्लास तक ये पढ़ा था आरएस नेमिंग क्या है और किस तरह से हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। और हमारा परफेक्शन भी आ गया था आरएस नेमिंग को लेकर, या सुनो। तो चलिए, अब आरएस नेमिंग के अलावा भी कोई और नेमिंग है, हाँ, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। वो नेमिंग जो आईयूपीएसी नहीं थी और शुरुआत में यूज़ किया जा रहा था, तो हमारे पास एक और नेमिंग थी और वो था डी एंड एल नेमिंग। डी का मतलब था डेक्स्ट्रो और एल का मतलब था लीवो। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, ये किसके लिए था? दैट इज द एग्जाम, लिखिए इसके साथ, दैट इज द अनादर वे, अदर वे टू गिव्स नेम ऑफ कायरल कंपाउंड्स। कायरल कंपाउंड विच आर कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड। यानी ये हमारे पास एक और नेमिंग है जिसको हम डेक्स्ट्रो लीवो बोल रहे हैं, और ये नेमिंग स्पेशली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स के लिए दी गई थी, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं लगेगी, ठीक है। जबकि आरएस नेमिंग हम सबके लिए यूज करेंगे। अरे, ये बात समझ में? तो कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन है, ये हमारे दिमाग में एक और पॉइंट आ रहा है, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम उन्हें बोलते हैं जिसके अंदर पोली हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। पोली हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी एक से ज्यादा ओएच ग्रुप हो, सेकंड कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट, और थर्ड कायरल कार्बन प्रेजेंट। इसके अलावा कोई भी और चीज हमें इन्वॉल्व नहीं करनी है, यानी कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोक्सी और कायरल कार्बन, इनको देख के चलना है, अदरवाइज हमें और कुछ को नहीं देखना है। तो बताइए, क्या आपके पास इस जगह ये आपने बना लिया CHO, ठीक है, CH, क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, पक्का, और दूसरा इसमें कायरल भी नहीं है। अब क्या अब ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। क्या इसमें कायरल है? हाँ। क्या इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है? हाँ, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है। क्या ये अब कार्बोहाइड्रेट है? हाँ, सही है। कार्बोहाइड्रेट की पहचान इसी से होगी कि उसके अंदर एक कायरल कार्बन हो, जो कि है, एक कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोनाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप एक से ज्यादा है। तो जब ये सारी टर्म्स कंडीशंस मिलके आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इज दैट क्लियर? उसके बाद पहले तो आप ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट है, अब उसके बाद कार्बोनाइल को टॉप पोजीशन में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? प्रेजेंट ऑन टॉप पोजीशंस, टॉप पोजीशंस। उसके बाद अगर OH लेफ्ट है या राइट है, उसके आधार पे डेक्स्ट्रो का मतलब यहां पर हमारे पास है राइट। अगर डेक्स्ट्रो हमारे पास राइट है, यानी OH राइट में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल डी। और अगर ये लेफ्ट में है, तो हम क्या बोलेंगे? स्मॉल, सॉरी, कैपिटल एल। आ रही है बात समझ में? तो बताइए, इसका नाम क्या होगा, डी या एल? डी नेम। क्यों भाई? बिकॉज OH ग्रुप, बिकॉज OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन राइट डायरेक्शन। तो इसका मतलब L किसे बोलेंगे हम? CHO, CH, OH, CH2, OH। तो पहले आप क्या देखेंगे कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, हाँ, कार्बोनाइल ग्रुप है, हाँ, कायरल है, हाँ, एक से ज्यादा OH ग्रुप है, हाँ, ठीक है। अब बताइए, ये
OH लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट, तो इसका नाम क्या होगा? एल, लीवो, उसको डेक्स्ट्रो, इसको लीवो, यस और नो? तो हम इसी चीज को क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन लेफ्ट डायरेक्शन है, की पॉइंट। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पास OH ग्रुप एक से ज्यादा है, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो फिर आप दो 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 तो चाहिए, लेकिन दो से भी ज्यादा हुए तो हम किसको लेंगे? फॉर एग्जाम्पल CHO, CHO, COH, H, COH, H, CH2, COH, H, H। क्या इसमें कायरल है? हाँ। कितने कायरल है? एक से ज्यादा। देखो ध्यान से, फिर एक साथ लिखना, क्या ये कायरल है? नहीं। तो जो सबसे नीचे वाला कायरल है जिस पे OH जुड़ा हुआ है, वो उसमें OH किस डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट में। तो इसका नाम क्या होगा? एल। ऊपर वाला नहीं देखना, नीचे, नीचे वाला कायरल। ये कायरल है क्या? नहीं है ना, तो इसको तो चेक ही नहीं करना। जो कायरल है नीचे ही, नीचे वाला कायरल, उससे आपको आंसर देना है। और पहले ये देख लो कि क्या ये टॉप पोजीशन पे है। हाँ, ये टॉप है, बिल्कुल। क्या ये कायरल है? ये कायरल है। तो इन दिस केस, तो यहां हमारे लिए क्या रहेगा आंसर? एल। यहां पॉइंट क्या बन के आएगा? व्हेन मोर देन वन कार्बन हैविंग OH ग्रुप एंड कार्बन कार्बन्स आर कायरल, देन डीएल डीएल नेमिंग गिव्स ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट, लास्ट का मतलब यहां पर आएगा बॉटम कायरल OH कंटेनिंग कार्बन। ये हमारे पास हो रहा है। तो हमने यही चीज देखा है कि हमारे लिए OH कहाँ होना चाहिए? प्रेजेंट ऑन टॉप पोजीशंस। बाकी सारे पॉइंट्स आपके पास हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि CHO प्रेजेंट ऑन टॉप पोजीशन, अगर वो बॉटम है, तो उसे 180 पे घुमा के फिर निकालना पड़ेगा आपको। सही है? तो ये आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक और नेमिंग है, जैसे हमारी RS नेमिंग थी, एब्सोल्यूट नेमिंग में आते हैं ये दोनों। यानी हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर डी डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का मतलब हमारे लिए यहाँ पर क्या है? राइट। और लीवो यानी लेफ्ट। दैट इज द अनादर वे टू गिव नेम्स ऑफ कायरल कंपाउंड्स विच आर कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स। यानी पहले हमने जो कायरल मिले थे कार्बन शुरुआत में, वो या तो कार्बोहाइड्रेट थे या क्या थे? एमिनो एसिड्स। फिर धीरे धीरे हमें बहुत सारे कायरल कार्बन मिले जो दोनों ही नहीं थे। इसके लिए हमें RS नेमिंग लानी पड़ी। इज दैट क्लियर? तो ये तो बात हमारे लिए क्लियर है, RS नेमिंग हमारे को बहुत ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन पुरानी नेमिंग भी हमें आनी चाहिए। पकड़ में आ गई? चलिए ठीक। तो थोड़ा सा और हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। इस एग्जाम्पल की CH2OH, OH, H, OH, H, CHO। बताइए ये कैपिटल डी है या कैपिटल एल है? ये है डी,
बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्यों भाई? क्योंकि इसको रोटेट किया है, रोटेट एट 180 डिग्री एंगल। अगर किसी भी कंपाउंड को 180 डिग्री पे रोटेट किया जाए पूरी तरह से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, आपने ये पूरा कर लिया, CHO, CH2OH, ये यहाँ आ गया OH, ये वाला ऊपर गया, तो ये सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक मिनट, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये वाला उधर गया OH और ये इधर आया OH। समझ में आ रहा है? आपस में चेंज होगा, ये H उधर गया, ये H इधर आया, तो ये क्या रहेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट ही बन गया। वाह, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सही है? तो ये बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें बिना रोटेट किए हमें नहीं मालूम पड़ता। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, और आपको मैंने पहले ही बताया 180 रोटेशन के अंदर ये आपस में चेंज होते हैं और ये आपस में चेंज होते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले भी ये एल था और अब भी ये एल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। कोई डाउट? अब एक और पॉइंट आता है, एमिनो एसिड्स किसे कहते हैं? क्योंकि ये नेमिंग जो हम कर रहे हैं ये एमिनो एसिड के लिए भी लगेगी। कार्बोहाइड्रेट तो समझ में आ गया, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है? एक तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, एक OH ग्रुप होता है, एक से ज़्यादा OH होते हैं और नीचे नीचे वाले से देखने, और एक कायरल कार्बन होता है। कार्बोनाइल ग्रुप किसे कहते हैं? एल्डिहाइड को एंड कीटोन को। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को मिला के कार्बोनाइल बोलते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, और कीटोन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, और उसकी दोनों वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, नेक्स्ट एमिनो एसिड्स, नेमिंग ऑफ एमिनो एसिड्स। तो नेमिंग ऑफ एमिनो एसिड्स, नाम ही पता चल रहा है, एमीन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। तो आप बताइए ये कौन सा ग्रुप है? एसिड। अब इसमें क्या होना चाहिए? एमीन भी होना चाहिए और कायरल भी होना चाहिए। ठीक है, ये कायरल हमने बना लिया, और एक ही NH2 बहुत है। यहाँ H, और ये ले लीजिए आप CH3। CHO ग्रुप टॉप पोजीशन पे होना चाहिए, सी डबल ओ एच ग्रुप टॉप पोजीशन पे। और इसको बोलते हैं हम एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप प्रेजेंट ऑन टॉप पोजीशंस। सही है? उसके बाद हमें ये देखना होता है कि NH2 अगर एक है तो वो कहाँ है, और ज़्यादा है तो वो नीचे वाले से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल तो हमारे लिए एक ही है, और हम यहाँ पर बात करेंगे ये लेफ्ट है या राइट है। आपको मिल गया है, राइट है, राइट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो डी। बस इतना सा सोचना है। तो क्या आप इसके आधार पे ये बता सकती हैं NH2 ये क्या होगा आंसर? ये उधर जाएगा, एल होगा। हमारे लिए ये टॉप होना चाहिए। खैर, ये सारी नेमिंग हमारे लिए आउटडेटेड हो गई जब से RS आई। हाँ बेटा, ये सिर्फ एमिनो एसिड्स के लिए लगेगा, तो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए तो हम सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, या हमारे लिए किस में आ गया ये? ग्लूकोस, फ्रुक्टोस। बस, तो शुरुआत में थी। ओके डियर फ्रेंड्स, करते जाएं, इसको लिखें, दिमाग में जरूर बिठा के चलें कि मैक्सिमम कार्बन शुड बी इन वर्टिकल लाइन। यानी अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया है, सी डबल ओ एच, CH3H और NH2,
तो हमारे को ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि वर्टिकल कार्ब लाइन में सबसे ज़्यादा कार्बन हो, और लास्ट वाले से हमें आंसर देना है। तो इसको पकड़ के पूरा घुमा दिया, एन एच टू सी एच थ्री और एच, तो ये आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो हमारे को ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि ये बॉटम पोजीशन पे हो। सही है, तो बॉटम पोजीशन पे होना हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ बोलो बेटा। तो लास्ट कार्बन कायरल से देंगे, वो वाला पॉइंट तो सिमिलर रहेगा जो हमारा वहां था। लास्ट कायरल कार्बन विच कंटेन एनएच टू ग्रुप, ठीक है, ओके।